Hello, sir. Can you please tell us about the vision of Helios Academy in preparing the students for Himachal administrative exams and other government exams conducted by the Himachal government? Hello. Actually, we started Helios in 2015. और हमारा जो बेसिक विजन था इसको स्टार्ट करने का दैट वाज टू बेसिकली प्रोवाइड स्टूडेंट्स फैसिलिटीज़ इन द एरिया ऑफ हिमाचल. एक्चुअली जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो हम स्टार्टिंग में क्या करते थे कि हम चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज़, और वी हैड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनीस. मतलब हमको पैसा बहुत देना पड़ता था, आप मतलब दो दो तीन तीन लाख रुपया लग जाता था एक डेढ़ साल का. और हमें ऐसे लगा कि वो फैसिलिटीज़ अगर हम हिमाचल में और यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकें तो क्यों ना ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाए. तो उस इनिशिएटिव के लिए हमने 2015 में आर योर मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक चौहान सर, ही टुक एन इनिशिएटिव एंड वी ज्वाइंड हिम आफ्टर अ मंथ. मैंने उनको ज्वाइन किया, माय नेम इज़ सुलभ शर्मा, और मैंने उन्हें ज्वाइन किया इन शिमला इन 2015 एंड इन मे 2015 आई मूव टू धर्मशाला. और 2015 से मैं धर्मशाला में हूँ और ये सर्विसेज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ. हमारे जो कोर्सेज हैं दे इंक्लूड योर सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, योर जूनियर इंजीनियर दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, और भी बहुत से कोर्सेज हैं, और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और स्टेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारे जो कोर्सेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं. सर, ऐसी क्या यूनिक टीचिंग मेथडोलॉजीज और रिसोर्सेज हैं जो हिलियस अकेडमी फॉलो करती है इन ऑर्डर टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्टूडेंट्स के? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि वी आर नॉट रनिंग दिस इंस्टीट्यूट ऑन अ कमर्शियल बेसिस. देखिए, एक माइंडसेट होता है कि आप एक कमर्शियल बेसिस पे काम कर रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए हमने इंस्टीट्यूट खोला, तो दैट इज़ नॉट आर मोटिव. हम स्टूडेंट्स को बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन जो है वो देने के ऊपर हमारा जो है वो बेसिक क्राइटेरिया है, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास अगर कोई बच्चा एनरोल होता है तो हम उस बच्चे को कभी भी ये नहीं बोलते कि तुम 6 महीने पढ़ोगे, 1 महीना पढ़ोगे या 1 साल पढ़ोगे. अगर बच्चा हमारे पास एक बार एनरोल हो रहा है तो हम फ्लेक्सिबल तरीके से उससे फ़ीस लेते हैं. वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि एक बार फ़ीस दे दी और उसके बाद आपको जो है वो फ़ीस रिफंड नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है. तो आप इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस दे सकते हैं, और प्लस वी प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर सपोज करो कोई बच्चा मेरे पास HS के बैच में एनरोल होता है बट वो चाहता है कि बीच में एग्ज़ाम जूनियर इंजीनियर का आ जा रहा है, या सपोज करो JOA का आ जा रहा है, या सेक्रेटरीट का आ जा रहा है, या अलाइड का आ रहा है, तो उसकी क्लासेस जो है वो भी वो अवेल कर सकता है. हम कभी भी उस बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि यार आप उस क्लास में क्यों नहीं बैठ रहे हो या आपको वहीं बैठना पड़ेगा. आपको रिजल्ट से, हमको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है. हमारी ओरिएंटेशन सिर्फ ये है कि बच्चा जो है वो पेपर निकाले, वो बच्चा जो है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो और उसको लगे कि मैं हिमाचल में रह के भी ये चीज़ें जो है वो अवेल कर सकता हूँ. दैट इज़ आर मेजर मोटिव, और उसके लिए हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं. और यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 years. तो 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपको हिमाचल में ही मिल रहा है, तो बाहर जाने की तो मेरे को लगता है कोई ज़रूरत है नहीं. तो ये हम अपनी तरफ से चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं. How does the Helios Academy stay updated about the changing exam pattern, syllabus changes और बाकी जितने भी अपडेट्स आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स से बारे में? ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. देखिए, अपडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, 2020 कोविड के बाद से जो भी HAS का पैटर्न आ रहा है ना, दैट हैज़ चेंज्ड अलॉट. पहले वो जो पैटर्न था दैट वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते थे, बट अब उन्होंने बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए हैं. फ्रॉम पास्ट टू 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 थ्री इयर्स क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल हो गए हैं, और आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा गया और जैसे बोलते ना कि मेरे को तो पता है मैं निकाल ही लूँगा, दैट इज़ नॉट द केस. अब बच्चे को काफ़ी सोच समझ के उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा, जैसे आप पिछले साल का अगर पेपर स्टडी कर लें, इवन नायब तहसीलदार और HAS का, तो इट वॉज़ क्वाइट ट्रिकी. मतलब ऑप्शन, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछा कि उसके 4 ऑप्शन दे दिए, उन 4 ऑप्शन के अंदर भी कंफ्यूजन होगा कि किसको अटेम्प्ट किया जाए, किसको नहीं किया जाए. तो पैटर्न बहुत चेंज हो गया, और उसको अपडेट करने के लिए वी कंडक्ट सेमिनार फॉर टीचर्स. हम टीचर्स के लिए सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, उनको समझाते हैं. वी जब भी आप, जैसे अभी HAS का 20 अगस्त को एग्जाम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हम एग्जाम देखेंगे, एग्जाम का माहौल देखेंगे क्या है, उसके बाद पेपर को एनालाइज करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, और जो नेक्स्ट बैच बैठेगा वो उसी बेसिस पे पढ़ाया जाएगा. ऐसा नहीं है कि हमारी जो 8 साल से, जैसे होता है कई जगह की, आज हमने कोई पैटर्न स्टार्ट कर दिया, उसी के ऊपर घुमा फिरा के पढ़ाई जा रहे हैं. हमारा हर चीज़ अपडेट होता है. हमारी इवन पब्लिकेशंस हैं, हिमाचल 360 हिमाचल की बुक है, उसका 4th एडिशन आ चुका है इन पास्ट 7 ईयर्स. तो डेफिनेटली वी हैव एडिटेड इट 4 टाइम्स, तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव करते रहते हैं.
Can you please share with us some success stories of the students जिन्होंने Helios Academy से training ली है and competitive exams clear किए हैं? Helios के लिए बिल्कुल recent मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी HCS का result आया, तो निधि सकलानी, she has been selected as तहसीलदार, and बबीता दिमान, she has been selected as SDM, तो इनकी selection हो चुकी है, और plus नायब तहसीलदार का exam आया, उसमें भावना नाम से एक लड़की है, शी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज नायब तहसीलदार। मोर ओवर रिसेंटली बैंकिंग में साहिल हैज़ बीन सिलेक्टेड, लास्ट ईयर HCS में मुनीश फ्रॉम पालमपुर हैज़ बीन सिलेक्टेड एज तहसीलदार। तो देर आर मैनी मोर, देर आर मैनी सब इंस्पेक्टर्स, देर आर मैनी जूनियर इंजीनियर्स, मैनी योर SDOs, मतलब मल्टीपल पोस्ट, जिस भी आप पोस्ट की बात करें, चाहे कॉन्स्टेबल्स की बात करें, हर जगह कोई ना कोई एक स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पर पहुँचा। In addition to academic progress, और क्या support और guidance है जो Helios Academy provide कराती है students को throughout the journey? देखिए, सबसे बड़ी problem आज के समय में है mental counseling। सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि आपकी काउंसलिंग का लेवल क्या है। अब मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आएगा ना, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये होता है कि पहले दिन, पहले महीने तो वो हमारे पास आएगा, बहुत जोश होगा, ही विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और मेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है। एक महीने के बाद जब वो कंपटीशन फेस करता है, तो उसके दिमाग में डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये होगा कि नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, वो वन टू वन सेशंस जो है वो बच्चों से करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है क्लास में करेंगे। बाहर बच्चा खड़ा हुआ है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है बीट, और यहाँ तक कि अगर बच्चे को कोई पर्सनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी हमारे साथ बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं शेयर करने में, तो उसमें कभी हमें प्रॉब्लम नहीं आती, और उनसे इंटरेक्ट करते हैं, मेंटल काउंसलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हमारे टीचर्स जो हैं, वी हैव गिवन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू द टीचर्स कि बच्चा जो है वो मेंटली डाउन नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम कुछ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स भी बीच में करवाते रहते हैं। जैसे अभी होली का फेस्टिवल हो गया, तो थोड़ा सा हमने करवा दिया फेस्टिवल, या हमारा जैसे फाउंडेशन डे था, तो उसमें हमने इवेंट करवा दिया। तो इस तरह के इवेंट्स हैं, क्विज हम रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक इंटरेक्टिव सेशन, ताकि जो बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ भी बॉन्ड बनाएं, और एक पढ़ाई को हवा या बर्डन ना लें, एंड दे इंजॉय इट, ताकि वो इजीली सक्सेसफुल उसमें हो सके। Helios Academy कैसे असेस करती है या इवैल्यूएट करती है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस और प्रिपरेशन को? देखिए, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आप जो चीज़ पूछ रहे हैं। देखिए, असेसमेंट का जो पार्ट है, उसके लिए हमारे पास वीकली बेसिस पे टेस्ट है। वीकली बेसिस का टेस्ट का मतलब क्या है कि इट इज़ डिफाइंड, ये डेफिनेशन एक टीचर्स के लिए है और बच्चों के लिए भी है, कि आइदर सैटरडेज और मंडेज टेस्ट तो होगा ही होगा, और वो जो टेस्ट है उसको क्लास में असेस भी किया जाएगा। क्लास में क्या रिपोर्ट है, किस तरह से आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, उस चीज़ को असेस करके और उसके बेसिस के ऊपर हम बच्चों की आगे की परफॉर्मेंस जो है उसको इवेल्युएट करते हैं। और ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ भी है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो मतलब प्रॉपरली इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोल नहीं पाते थे, और आज के समय में अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर जैसे पटवारी लगे हैं, बैंक्स में गए हैं, तो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और इवेल्युएशन इज़ अ मस्ट पार्ट। तो इवेल्युएशन और असेसमेंट इज़ डेफिनेट थिंग जो हम हर वीकली बेसिस पे करते हैं। टीचर्स जो हैं उनके अपने ग्रुप्स हैं, और जिस पे वो पर्सनल लेवल पे भी अगर बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कोई इशू आता है, तो उसको हम सॉर्ट करने की जो है कोशिश करते हैं। As we all know that competitive exams, they are not only centered with intellectual knowledge, but also they examine personality of a student. So, sir, Helios Academy कैसे contribute करती है एक overall development में, या skills कैसे infuse करती है students? देखिए, मैं फिर से हमारे जो सबसे पहले आपको बोला था कि हमने हिमाचल में बेसिकली वी स्टार्टेड इन हिमाचल, वी हैव 4 सेंटर्स इन हिमाचल। तो हमने जब हिमाचल में इसको स्टार्ट किया था, तो हमारा मोटिव यही था कि बच्चे चंडीगढ़ या दिल्ली ना जाए। और उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे पर्सनली मैं एक स्कूल से पास आउट था, दैट वाज ऑफ ICSE बैकग्राउंड, तो मेरे को कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई इंटरेक्ट करने में, कुछ करने में, हम दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट जब मैं धर्मशाला में पहुँचा, और जब मैंने यहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई, सबसे पहले मेरे को प्रॉब्लम क्या आई कि बच्चे बोल ही नहीं सकते, मतलब दे कांट स्पीक। बोलने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अगर सपोज करो, अगर क्लास में मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछूंगा ना, तो वो डरेंगे कि 6 बच्चे क्या सोचेंगे, मतलब हर पर्सन के दिमाग में क्या है, यार अगर मैंने बोल दिया तो इसको ऐसा लगेगा, अगर मैंने इसको बोला तो वैसा लगेगा। तो मैं सबसे पहली चीज़ बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सबका मेंटल लेवल सेम है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर, और वो एक्सपोजर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जो एक्सपोजर उनको बाहर जाके मिलता है। तो मेरा पहला मोटिव, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, हम बच्चों की ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं क्लास में, और मोर ओवर हम उनको स्टेज पे बुलाते हैं, ताकि उनका स्टेज फियर और स्टेज फोबिया जो है वो ख़त्म हो, और जो बच्चे
सेलेक्ट होते हैं उनके हम इंटरव्यू सेशंस भी करते हैं, ताकि जब वो आगे इंटरव्यू में जाएं, जब आगे वो सिलेक्शन प्रोसेस में आगे जाएं, तो इंटरव्यूज में भी वो क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। तो दीज आर थिंग्स दैट वी डू, जिसकी वजह से बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो बहुत फ़ायदा होता है। इवन हमारे काफ़ी एल्यूमिनाई हैं, काफ़ी रिव्यूज़ ऐसे हमें मिले भी हैं कि चलो सिलेक्शन नहीं हुई बट सर वी लर्न समथिंग, हमें कुछ ऐसा पता लगा कि सोसाइटी में बात कैसे करनी है, कहीं जाना है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हम पूरा जो है अपनी तरफ से